नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, क्या आज आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कोई किया कराया, टोना टोटका या तंत्र मंत्र किया है? क्या आपको अपनी दुकान में कभी नकारात्मक शक्तियों का अनुभव हुआ है? सबकी दुकान चलती है, आपकी नहीं चलती। श्रेष्ठ है आपकी दुकान, सुंदर है, अच्छी पूंजी आपने लगाई है, अच्छे क्वालिटी के सामान बेचते हैं आप, परंतु जो ग्राहक आते हैं दोबारा मुड़कर नहीं आते। क्या कारण है कि आपके दुकान में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, कस्टमर अक्सर आपसे बहस कर बैठते हैं? कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? मन में एक शंका है, किसे दिखाएं? क्या सच में कोई इतना जानकार है कि ये देखकर बता दे कि सच में किसी ने कुछ किया कराया, टोना टोटका या कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है आपकी दुकान पर? सबके बच्चों ने पढ़कर नौकरी ले ली, आपके बच्चे दक्ष हैं, काबिल हैं, पढ़ लिए हैं, परंतु नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। इंटरव्यू में भी पास कर जाते हैं, उन्हें होल्ड पर रख दिया जाता है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। क्या आपको लग रहा है कि किसी की ऐसी कड़ी नज़र लग गई है, किसी ने तो उसे कुछ खिला दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है कि मेरे बच्चे को नौकरी लग ही नहीं रही? आपकी बेटी सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, परंतु जब भी उसे लड़के वाले देखने आते हैं रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कहीं ऐसा लग रहा है मन में, क्या पता किसके घर गई, किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया, किसी ने कोई तंत्र मंत्र जादू मेरी बच्ची पर कर तो नहीं दिया? क्यों सबका रिश्ता लगता है, इसका ही रिश्ता नहीं लग रहा? आपके घर में बहू आई और बहू को देखने के लिए न जाने कितने लोग आए, और उनमें से किस पर भी शक हो रहा है आपका कि पता नहीं उसने क्या कर दिया, कि साल, दो साल, चार साल बीत गए, बहू की गोद अभी भी सूनी है, वो माँ नहीं बन पा रही, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं उसकी कोख तो किसी ने नहीं बांध दी? सबके घर में शांति है, जिसके घर में धन की भी कमी है उसके घर में भी शांति है, आपके घर में कोई कमी नहीं, परंतु कलह कलेश से भरा आपका घर है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, माँ को ऐसी चिंता सता रही है, सच में लग रहा है मेरे घर पे किसी ने कोई जादू टोना कर दिया। परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है, कितने भी डॉक्टर को दिखा ले, कितने भी पैसे पानी की तरह बहा ले, परंतु एक के बाद एक कोई ना कोई इस घर में बीमार पड़ता ही पड़ता है। यदि इन सारी समस्याओं में से कोई भी समस्या आपको घेर रखी है, संध्या के बाद आपके घर से बदबू आती है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई तो प्रवेश किया है, किसी ने तो कुछ किया है, आज मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो दुनिया के किसी भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू, किसी ने कुछ भी किया हो, उसका एक काट बताने जा रही हूँ, एक रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ। संपूर्ण वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसका उचित लाभ उठाइएगा। जरा सी भी स्किप मत कीजिएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, प्रथम उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ, यह इस केस के लिए है यदि किसी एक व्यक्ति विशेष पर किसी ने जादू टोना टोटका किया कराया किया हो। लक्षण क्या है? अधिकतर स्वास्थ्य खराब रहना, चिड़चिड़ापन और क्रोध, बहुत ज़्यादा झगड़ा करना, पैसे इधर उधर उड़ाना, घर में लड़ाइयाँ करना, अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल ना बनना, हमेशा दूसरों की तारीफ करना और घर वालों में खोद निकालना। ऐसा लगे मानो इसकी बस चले तो ये घर को आज आग लगा दे। यदि कोई वैसा व्यक्ति है जिसे किसी ने अपने वश में कर लिया है, तब करें एक दिव्य प्रयोग। अपने घर में सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगाएं। गमले में लगा सकते हैं, यदि मिट्टी नहीं है तो आप छत पर लगा सकते हैं। अपने घर में सफ़ेद आंकड़े का एक पौधा लगाएं और इस पौधे के जड़ को थोड़ा सा काट कर उस व्यक्ति विशेष के गले में या तो ताबीज में डालकर या तो ऐसे ही धागे में बांधकर, पीले धागे में बांधकर उसके गले में पहना दें। केवल इतना करने मात्र से, यह प्रयोग आपको शनिवार के दिन करना है, केवल इतना मात्र करने से जिस व्यक्ति विशेष को किसी ने अपने वश में कर लिया हो, या किसी ने प्रसाद में मिलाकर उसे कुछ खिला दिया हो, या किसी ने पानी के माध्यम से कुछ करके उसे पानी पिला दिया हो, तुरंत का तुरंत ये काट होता है, वह व्यक्ति उसकी चंगुल से
मुक्त हो जाएगा। अगला प्रयोग तब करना है जब आपको घर में लगे कि कोई हमारे घर पर जादू टोना टोटका करके गया है और तभी से घर की ये सुव्यवस्था कुव्यवस्था में बदल गई है। घर में लोग आपस में लड़ रहे हैं, धन बहुत अधिक खर्च हो रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और शाम के बाद एक बदबू सी आती है। तब घर का कोई भी एक सदस्य बड़े करे तो बहुत अच्छा है। आपको चार चीज़ें लेनी है, लोहमान, गंधक, राई और काली मिर्च। बराबर बराबर चार चीज़ें बराबर मात्रा में ले लें। हनुमान जी की जो भी तस्वीर या मूर्ति आपने अपने घर में लगा रखी है उन पर से 7 बार इसे वार लें और अपने घर में 3 दिनों तक किसी भी मिट्टी के प्याले में इसे रख दें, खुला में जलाएं नहीं, केवल रख दें। 3 दिनों के बाद इसे बाहर ले जाएं घर के और गोबर के जो उपले होते हैं उसके ऊपर रख कर इसे जला दें। इसकी ध्वनि आपके घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, घर से इतना दूर जलाएं। यकीन मानिए 100% काट हो जाएगा। चाहे किसी ने भी आपके घर में कोई भी काला जादू किया हो, कोई भी तंत्र मंत्र किया हो, यदि आपकी दुकान में किसी ने कुछ कर दिया हो तब आप अपने दुकान को प्रातः खोलें, एक नींबू लेकर जाएं। इस नींबू को 4 टुकड़े में काटें लेकिन संपूर्ण ना काट दें ताकि ये 4 भाग में बट ना जाए, केवल चीरा दे दें 4 भाग में और अपने दुकान की 21 बार वारें अपने दुकान को, दुकान से बाहर खड़े होकर चुपचाप मुंह से कुछ ना कहें और इसे ले जाकर किसी चौराहे पर, बिल्कुल बीच चौराहे पर रख दें और मुड़कर पीछे ना देखें और वापस अपने दुकान में चले आएं। ऐसा करने से यदि दुकान में किसी ने कुछ कर दिया हो, यह प्रयोग भी शनिवार को होगा, यदि दुकान में किसी ने काला जादू किया हो तो केवल 1 शनिवार करने मात्र से भी यह वशीकरण टूट जाएगा या कालो जादू का असर खत्म हो जाएगा। अब आपको एक सर्वोपरि उपाय बताती हूँ जो हर चीज़ के लिए है, यदि घर के किसी सदस्य पर किया गया हो तब भी, यदि घर पे किया गया हो तब भी, यदि आपके घर में किसी ने कोई सामान छोड़ दिया हो तंत्र मंत्र करके तब भी। आप शनिवार के दिन 7 गुलाब का फूल ले लें और माँ काली के मंदिर चले जाएं। माँ काली को यह 7 गुलाब का फूल अर्पण करें और वहीं बैठकर 21 बार ओम क्लीम मंत्र का जप करें। जप करने के बाद आप उसमें से 1 गुलाब का फूल उठाएं और उससे 7 पत्तियां घर ले आएं तोड़कर। उसके बाद कुछ ना करें, सारे फूल वहीं छोड़ दें और इन 7 पत्तियों को अपने घर लाकर कोने कोने में, हर कमरे में, एक बरामदे में, जिसका भी बेडरूम हो, एक एक करके 7 जगह, हर अलग अलग जगह पर इन पत्तियों को रख दें। ऐसा करने मात्र से भी केवल 1 दिन में हर वशीकरण का काट हो जाता है। तो अवश्य करें मित्रों यह प्रयोग और अपना अनुभव मुझे भी, मेरे साथ भी साझा करें। ईश्वर करे आपके घर में जो भी किया कराया हो उसका असर आज अभी इसी क्षण समाप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।